गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट डिस्कस आवर न्यू टॉपिक डेटा हायरार्की। अपना डेटा हायरार्की न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, डेटा हायरार्की पहली बात होता क्या है, आप अच्छे से जानते हो कि जो कंप्यूटर इनपुट करता है वैल्यू, वो डेटा करता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है, फिर बाद में उसका आउटपुट आता है। तो वो किस किस टर्म में यूज होता है, क्या क्या उसकी वैल्यू होती है, किस तरीके से अरेंज होता है, वो सारी आपकी क्या कहलाती है, डेटा हायरार्की। इसमें बात करते हैं हम, सबसे पहले आपका आता है बिट, ठीक है। बिट क्या होता है, बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, दिखाई दे रहा हो, बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर की क्या होती है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। ये आइदर वैल्यू जीरो होगी या वन होगी, मीन्स दो ही एक ही मोड में काम करेगा, या तो जीरो और या फिर वन, क्लियर। इसलिए इसे सिंगल बिट, सिंगल वैल्यू क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है, या फिर हम ऑन और ऑफ भी बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका बाइट। अब बाइट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ एट बिट्स, मीन्स एट बिट्स का कलेक्शन आपका क्या बन जाता है, बाइट बन जाता है, क्लियर। नेक्स्ट टर्न आती है आपकी फील्ड। अब फील्ड क्या होता है, देखिए एक एक करके समझिएगा, पहले बिट आए, बिट्स आपका क्या बना, बाइट बना, क्लियर, आपको समझने में आसानी होगी। नाउ बाइट से आपका क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। कैसे बनेगा, याद करने का तरीका, एट बिट से कलेक्शन ऑफ बाइट्स, मीन्स किसका कलेक्शन हो, जितनी भी आपकी बाइट्स होंगी, एट बाइट हो, टू बाइट्स हो, बिट एंड बाइट्स में डिफरेंस है। आई बताया था बिट आपकी सिंगल यूनिट है और बाइट इज द कलेक्शन ऑफ एट बिट्स, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स, मीन्स बाइट्स का जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा, विच कंटेन इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। फिर फील्ड से आपका क्या बन जाता है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे होगा, कलेक्शन ऑफ फील्ड, जब जितने भी फील्ड है हमारे आपस में मिल जाएंगे, उससे आपका बन जाता है क्या, रिकॉर्ड। नेक्स्ट आपका आता है फाइल, देन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड है उनको जब हम फाइल में अरेंज करेंगे वो आपकी क्या बन जाएगी, फाइल बन जाएगी। एंड लास्ट वन इज योर डेटाबेस, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल्स, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, फाइल बाद में आया, तो जितनी भी फाइल्स हैं उन सबका कलेक्शन आपका क्या बन जाएगा, डेटाबेस, ठीक। अब मैं आपको देखो एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप कोई भी एक डेटाबेस ले लो, आप चाहे अपने स्कूल का डेटाबेस ले लो, या होटल के नाम का डेटाबेस ले लो, या फिर रेलवे का ले लो, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैंने होटल के नाम से कोई डेटाबेस लिया, एक होटल हमारा पूरा मैनेजमेंट है। अब देखिए होटल में क्या क्या होते हैं, एम्प्लॉय भी होता है, कस्टमर भी होता है, और अदर स्टाफ भी होता है। तो जो मेन जो पार्ट है उसका, जिस नाम से बना, वो तो आपका क्या हो गया, डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर हमारी क्या होती है, फाइल्स होती है, मीन्स वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कस्टमर। इसका रिवर्स चलते रहो आप, देखो डेटाबेस है, डेटाबेस का रिवर्स मैंने क्या लिखा था, फाइल, सेम इसका रिवर्स आप समझिए। होटल है, होटल में किस किस की फाइल्स हो सकती हैं, कस्टमर की, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय जो होता है, और अदर स्टाफ, जो भी नॉन स्टाफ होते हैं उनकी। अब देखो कस्टमर के नेम वगैरह भी होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। हम कहते हैं ना कि अदर पर्सन का रिकॉर्ड निकाल कर लाओ, सपोज मैं ही पूजा की, पूजा नाम का रिकॉर्ड निकाल कर लाइए, सेम ऐसी कस्टमर का रिकॉर्ड होगा, कोई भी नाम हो सकता है, सोनाली लिख दिया मैंने, मधु लिख दिया, या एम्प्लॉयर का भी कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैंने एक ही एग्जांपल ले लिया। फिर अब देखिए इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है, वो आपकी क्या बन जाएगी, फील्ड। जैसे जो सोनाली है उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक्सेट्रा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप क्या कर सकते हैं, ऐड। फील्ड के बाद जब आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है तो किसकी फॉर्म में होता है, बाइट्स की फॉर्म में, क्योंकि वो मशीन में समझता है। सो हर नाम को वो एक एक बाइट्स में क्या करेगा, स्टोर करेगा, और उसी का फिर अलग क्या बन जाता है, आपका बिट। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी क्या होती है, डेटा हायरार्की कहलाती है, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, याद करने का तरीका सबसे अच्छा यही है, बिट बाइट फील्ड, जैसे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, कलेक्शन बाइट्स, कलेक्शन फील्ड, कलेक्शन रिकॉर्ड, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल्स, देन दिस इज ऑल कॉल्ड डेटा हायरार्की। एग्जाम में आ भी सकता है, पूछ भी सकते हैं, वैसे तो शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट इज बाइट, ठीक है, या व्हाट इज रिकॉर्ड। तो मैंने आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है डेटा हायरार्की का,
आप सब कहीं से ही पूछें, आप उसके बीच के पार्ट को लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपकी डेटा हायरार्की है। एक आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए इसको तो आप अपनी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, मैं इसको थियोरेटिकली ऐसे ही बता रही हूँ। देखिए दोनों में, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, इंटरलेटेड है। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, ठीक है, हार्डवेयर के लिए क्या जरूरी है आपका सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि जब तक अगर हार्डवेयर है, हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका हार्ड सिस्टम वर्क नहीं करेगा, दैट इज योर यूजलेस। और अगर सॉफ्टवेयर भी किसमें, दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सॉफ्टवेयर भी कभी काम करेगा हार्डवेयर के साथ ही तो काम करेगा, अकेला तो वो काम करेगा नहीं, तो दोनों आपस में इंटरलेटेड है। हम कह भी सकते हैं अगर ये आपका हार्ट है इन सिंपल फॉर्म तो ये आपकी क्या है सोल, मतलब दिल है तो ये क्या है आपकी आत्मा है, ठीक है। आप इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसे तो जितना डीप में लिख सकते हो उतना बेस्ट है। नाउ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एट योर होम, लाइक्स माई वीडियो, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।